Dear students, this is an example in which we have to find the factor of a cubic polynomial if one factor is given. तो देखिए इसमें क्या है हमारे पास, if x plus 1 is a factor of the polynomial x cube minus 3x square minus 9x minus 5, then find other two factors of the polynomial. तो देखिए इस polynomial का हमें one factor given है और other two factor हमें find करने हैं. तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे, तो देखिए एक मेथड तो क्या होता है इसका, हम x प्लस वन से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करके भी इसको फाइंड कर सकते हैं, अदर टू फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं. एक दूसरा मेथड है उसको यहाँ पर हम समझते हैं. तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव. क्लियर? तो देखिए इस पॉलिनोमियल का हमें एक फैक्टर गिवन है और ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर होते हैं, थ्री फैक्टर होते हैं. तो जो हमें फैक्टर गिवन है x प्लस वन उसे हम थ्री टाइम्स यहाँ पर लिख लेते हैं. तो उसे हम क्या लिख लेते हैं, थ्री टाइम्स x प्लस वन, थोड़ा स्पेस देंगे बीच में, फिर x प्लस वन, फिर स्पेस देंगे बीच में x प्लस वन. ठीक है, तो देखिए हमें क्या गिवन था, इस पॉलिनोमियल का x प्लस वन फैक्टर गिवन था, तो हमने इस फैक्टर को थ्री टाइम यहाँ पे लिख लिया है. ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए हमें यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब बना, यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब, तो यहाँ पर एक्स क्यूब बनाने के लिए हमें इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर, यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसमें हम एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर इसमें, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा. तो इधर हमें क्या चाहिए, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब हमारा राइट हैंड साइड में बन जाएगा. और साथ ही साथ हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई वन में होगा तो एक्स स्क्वायर भी बन जाएगा. ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर चाहिए और राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर. ठीक है, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर. तो ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, क्या बनेगा राइट हैंड साइड में, एक्स स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर चाहिए. तो देखिए माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बनाने के लिए, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बनाने के लिए हमें एक्स स्क्वायर में क्या ऐड करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर में से हमें माइनस फोर एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी क्या बनेगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बनेगा. तो देखिए अब यहाँ पर जब हमने एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में किया तो एक्स क्यूब बन गया, उसके बाद एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर चाहिए. तो देखिए माइनस थ्री एक्स स्क्वायर के लिए हमारे पास एक्स स्क्वायर तो आ चुका है, अभी हमें इस एक्स में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारे पास माइनस फोर एक्स स्क्वायर आ जाए. तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर के लिए हमें इस एक्स में माइनस फोर एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस फोर एक्स से. ठीक है, तो देखिए माइनस फोर एक्स से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस फोर एक्स स्क्वायर. तो देखिए एक्स स्क्वायर पहले से हमारे पास था, माइनस फोर एक्स स्क्वायर और आ जाएगा तो कितना बन जाएगा ये, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर. तो यहाँ तक हमारा ये माइनस थ्री एक्स स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद देखिए जब माइनस फोर एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद माइनस फोर एक्स का मल्टीप्लाई प्लस वन में होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस फोर एक्स, माइनस फोर एक्स आ जाएगा. लेकिन हमें कितना एक्स चाहिए, माइनस नाइन एक्स चाहिए. हमारे पास क्या आ चुका है, माइनस फोर एक्स आ चुका है, तो अभी हमें माइनस फाइव एक्स और चाहिए. तो देखिए माइनस फाइव एक्स के लिए हम क्या करेंगे, इस एक्स में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, माइनस फाइव से. तो यहाँ पर माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस फाइव एक्स. तो देखिए माइनस फोर एक्स हमें यहाँ पर मिला था, माइनस फाइव एक्स हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस नाइन एक्स. तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा माइनस नाइन एक्स. अब देखिए माइनस फाइव का मल्टीप्लाई प्लस वन में होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस फाइव. तो देखिए माइनस फाइव भी हमारे पास ये आ जाएगा. तो देखिए पूरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, तो देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए फिर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ब्रेकेट एक्स प्लस वन माइनस फोर एक्स ब्रेकेट एक्स प्लस वन माइनस फाइव एक्स प्लस वन. अब देखिए तीनों से हम क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन को कॉमन ले सकते हैं. तो देखिए क्या क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस वन कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव.
क्लियर। अब देखिए हमारे पास एक फैक्टर x प्लस वन गिविन था, अदर टू फैक्टर हमें फाइंड करने हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है, तो इसे हम क्या करेंगे, स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड से इसको फैक्टराइज करेंगे। तो क्या करते हैं इसके लिए हम, देखिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यहाँ पर देखिए लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस फाइव, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1 का और 5 का, तो 5 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 5 के हमें टू फैक्टर करने हैं, 5 के हमें टू फैक्टर करने हैं, दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए 4। तो 5 के फैक्टर क्या होते हैं, देखिए 1 इंटू 5 होते हैं, तो 1 इंटू 5 होते हैं 5 के फैक्टर, तो 1 इंटू 5, तो 1 और 5 का डिफरेंस कितना होता है 4। तो हम क्या ले सकते हैं, 1 एंड 5 ले सकते हैं। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1, और देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस 4x को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं x एंड 5x, दोनों के साइन बाद में एडजस्ट करेंगे, और लास्ट में क्या है माइनस 5, ब्रेकेट क्लोज। अब देखिए दोनों के साइन क्या रखने हैं हमें, तो देखिए x का और माइनस 5x का साइन क्या होना चाहिए ताकि माइनस 4x बन जाए, तो हमें 5x को माइनस लेना पड़ेगा और x को प्लस, तभी क्या बनेगा दोनों से माइनस 4x। अब देखिए x प्लस 1, अब देखिए इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों टर्म से हम क्या कॉमन ले सकते हैं x कॉमन लेंगे, तो क्या बनेगा x प्लस 1, इन दोनों टर्म से क्या कॉमन ले सकते हैं माइनस 5, तो क्या बन जाएगा x, यहाँ से माइनस 5 कॉमन जाएगा x बचेगा, और यहाँ से माइनस 5 कॉमन जाएगा प्लस 1। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में x प्लस 1 दोनों में हैं, तो दोनों टर्म से हम क्या कर सकते हैं x प्लस 1 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये बाहर आ जाएगा x प्लस 1, एक x प्लस 1 पहले से बाहर है, तो एक x प्लस 1 और आ जाएगा बाहर, तो ब्रेकेट में क्या बचेगा x और ये माइनस 5, क्लियर। तो देखिए फैक्टर क्या आ जाएंगे हमारे पास, पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, x प्लस 1 एंड x माइनस 5, ठीक है। तो देखिए x प्लस 1 हमें गिविन था, और अदर टू फैक्टर क्या हो जाएंगे x प्लस 1 एंड x माइनस 5, ठीक है। तो दो अदर फैक्टर क्या हो जाएंगे x प्लस 1 एंड x माइनस 5, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सबको समझ में आया। चलिए देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इफ x माइनस 5 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, देन फाइंड अदर टू फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो देखिए इस पॉलिनोमियल का हमें एक फैक्टर गिवन है x माइनस 5 और अदर फैक्टर फाइंड करने, तो देखिए अदर कितने फैक्टर होंगे इसमें, टू अदर फैक्टर होंगे, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के टोटल फैक्टर कितने होते हैं 3। तो देखिए एक फैक्टर हमें गिवन है और अदर टू फैक्टर हमें फाइंड करने, तो यहाँ पर हम देखिए लिख सकते हैं सोल्यूशन देखिए इसका। तो देखिए सोल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल हमें गिवेन है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें फैक्टर गिवेन है उस फैक्टर को 3 टाइम लिख लेते हैं, तो x माइनस 5 हमें गिवेन है, इसको हम 3 बार लिख लेते हैं, x माइनस 5 और x माइनस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से समझिए, अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे दोनों को इक्वल, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है एक्स क्यूब, तो यहाँ पर एक्स क्यूब बनाने के लिए इसमें हमें एक्स में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में, तो एक्स क्यूब बन जाएगा, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 5 में होगा, माइनस 5 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, कितना स्क्वायर बन जाएगा माइनस 5 एक्स स्क्वायर बनेगा। तो देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस 5 एक्स स्क्वायर, लेकिन देखिए स्क्वायर में हमें कितना चाहिए, माइनस 3 एक्स स्क्वायर चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या बन चुका है माइनस 5 एक्स स्क्वायर। तो देखिए हमें माइनस 5 एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें माइनस 3 एक्स स्क्वायर चाहिए। तो देखिए माइनस 5 एक्स स्क्वायर को माइनस 3 एक्स स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या, इसमें क्या है और ऐड करना पड़ेगा,
टू एक्स स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो हमारे पास यहाँ तक कितना आ चुका है, यहाँ तक हमारे पास आ चुका है एक्स क्यूब कंप्लीट हो चुका है लेफ्ट हैंड साइड में, और स्क्वायर हमारे पास कितने आ चुके हैं, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, और हमें चाहिए माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू एक्स स्क्वायर हमें और चाहिए। तो देखिए टू एक्स स्क्वायर बनाने के लिए हमें एक्स में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स में हमें टू एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास माइनस फाइव एक्स स्क्वायर थे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस टू एक्स स्क्वायर। तो माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर बन जाएगा राइट हैंड साइड में, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और हमें क्या चाहिए, देखिए देखिए टू एक्स का मल्टीप्लाई माइनस फाइव में करेंगे तो कितना होगा, माइनस टेन एक्स बन जाएगा। कितना बन जाएगा, माइनस टेन एक्स बन जाएगा, लेकिन हमें कितना चाहिए, माइनस नाइन एक्स चाहिए। तो देखिए हमारे पास माइनस टेन एक्स आ चुका है, तो माइनस एक्स हमें एक्स्ट्रा मिल चुका है, तो हमें क्या अभी और क्या चाहिए, प्लस एक्स चाहिए, तभी हमारे पास कितना होगा, माइनस नाइन एक्स होगा। तो हम यहाँ पर देखिए एक्स में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एक्स के लिए वन से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वन से। तो यहाँ पर हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, देखिए प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर वन का मल्टीप्लाई एक्स में होगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो प्लस एक्स, और यहाँ पर माइनस टेन एक्स था, मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस नाइन एक्स, ठीक है। और प्लस वन का मल्टीप्लाई माइनस फाइव में होगा तो माइनस फाइव आ जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस फाइव है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए तीनों टर्म से एक्स माइनस फाइव को कॉमन लेना है, तो तीनों से x माइनस फाइव को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, क्लियर। आप देखिए हमें क्या करना है, x माइनस फाइव इसको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें क्या करने है, फैक्टर करने है स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड से। तो क्या करेंगे, लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, वन, वन के हमें क्या करने है, फैक्टर करने है, दोनों का सम, दोनों का सम कितना होना चाहिए, टू होना चाहिए। तो वन के फैक्टर हम क्या ले सकते हैं, वन इंटू वन, वन इंटू वन वन होता है, और दोनों का सम कितना होगा, टू। तो देखिए हम मिडिल टर्म को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस एक्स, तो हम क्या लिख सकते हैं मिडिल टर्म को, एक्स प्लस एक्स और राइट लास्ट में प्लस वन। तो देखिए एक्स माइनस फाइव, अब देखिए दोनों से एक्स कॉमन ले सकते हैं तो क्या यहाँ पर बन जाएगा, एक्स प्लस वन, इन दोनों से प्लस वन कॉमन ले सकते हैं तो क्या बनेगा यहाँ पर, एक्स प्लस वन, ठीक है। अब देखिए दोनों से x प्लस वन, एक्स प्लस वन दोनों से कॉमन आ जाएगा बाहर, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, x माइनस फाइव और x प्लस वन कॉमन आ जाएगा बाहर, x प्लस वन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस वन, ठीक है। तो देखिए कितने फैक्टर बन चुके हैं, थ्री फैक्टर बन चुके हैं। तो ये जो हमारे पास गिवन पॉलीनोमियल था इसके कितने फैक्टर आ चुके हैं, यहाँ पर थ्री फैक्टर यहाँ पर आ चुके हैं, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए समझ में आया ये वाला मेथड हम कैसे करते हैं, इस मेथड से कैसे हम अगर एक फैक्टर हमारे पास है तो अदर फैक्टर हम फाइंड करते हैं। तो अभी देखिए इसका अभी हम और एग्जांपल लेंगे ताकि ये आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। एग्जांपल नंबर थ्री, तो देखिए एग्जांपल नंबर थ्री को देखते हैं, इसमें क्या है, इफ वन फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एक्स प्लस ट्वेंटी इज एक्स प्लस वन, देन फाइंड अदर टू फैक्टर्स। तो देखिए इस पॉलिनोमियल के हमें अदर टू फैक्टर फाइंड करने, एक फैक्टर हमें गिवेन है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले जो पॉलिनोमियल हमें गिवेन है उसे लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एक्स प्लस ट्वेंटी, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या लिख लेते हैं, जो हमें फैक्टर गिवन है उसे हम थ्री टाइम लिख लेते हैं। तो देखिए एक्स प्लस वन हमें गिवन है, तो एक्स प्लस वन, फिर से एक्स प्लस वन और फिर से एक्स प्लस वन, तो इसको हमने थ्री टाइम यहाँ पर लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को सेम बनाना है, दोनों को सेम बनाना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है x, तो x को x क्यूब बनाने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर से। तो यहाँ पर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, x क्यूब बन जाएगा। तो इधर भी x क्यूब है और इधर भी x क्यूब बन जाएगा, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो
एक एक्स स्क्वायर भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें एक्स स्क्वायर कितने चाहिए, हमें 13 एक्स स्क्वायर चाहिए, और हमारे पास कितना एक्स स्क्वायर यहाँ पर बना है, ओनली 1 एक्स स्क्वायर। अभी हमें 12 एक्स स्क्वायर और चाहिए, ठीक है। तो 12 एक्स स्क्वायर अभी और चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स में किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें 12 एक्स स्क्वायर मिल जाए, प्लस 12 एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर प्लस 12 एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस 12 एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 12 एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 12 एक्स स्क्वायर बनेगा और एक्स स्क्वायर यहाँ पर था, तो टोटल कितना हो जाएगा, 13 एक्स स्क्वायर। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 13 एक्स स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में भी हमारे पास 13 एक्स स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 12x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो कितना आ जाएगा, 12x। लेकिन हमें लेफ्ट हैंड साइड में कितना गिवन है, 32x, और राइट हैंड साइड में अभी तक हमारे पास कितना बना है, 12x। तो अभी कितना x और चाहिए, हमें 20x और चाहिए। तो आप देखिए x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें 20x मिल जाए, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो 20x मिल जाएगा। तो देखिए 20x यहाँ पर और 12x यहाँ पर मिल गया था हमें, तो पूरा 32x हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 32x और राइट हैंड साइड में भी पूरा 32x कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए 20 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो कितना मिलेगा हमें, 20, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 20। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए तीनों टर्म से x प्लस 1 को कॉमन करना है, तीनों से x प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, क्लियर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x प्लस 1, देखिए इस ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बन चुका है, इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के हम फैक्टर करेंगे बाय यूजिंग स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड। तो मिडिल टर्म मेथड कैसे यूज करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 20, और यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 1, 20 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 20 होगा। तो देखिए 20 के हमें क्या करने हैं, 2 फैक्टर करने हैं, और दोनों का हमें क्या चेक करना है, यहाँ पर क्या है, प्लस है ना, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो देखिए 20 के फैक्टर बताइए, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 12, तो 10 टू जा कितने होते हैं, 20, तो दोनों का सम कितना होगा, 12। तो हम क्या ले सकते हैं, 10x एंड 2x। तो देखिए हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं मिडिल टर्म को, ये जो मिडिल टर्म 12x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10x एंड 2x, दोनों के साइन बाद में लिखेंगे, और ये लास्ट में प्लस 20। तो देखिए हमें दोनों का साइन क्या लेना चाहिए ताकि हमारे पास प्लस 12x बन जाए, तो दोनों को प्लस लेना पड़ेगा, प्लस 10x और प्लस 2x, तभी प्लस 12x बनेगा। आप देखो x प्लस 1, तो देखिए इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x प्लस 10। इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ जाएगा, 2, तो क्या बन जाएगा, x प्लस 10, क्लियर। आप देखो यहाँ पर x प्लस 1, देखिए दोनों टर्म से x प्लस 10 कॉमन ले सकते हैं, तो बाहर x प्लस 10 हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 2। तो देखिए ये जो हमारे पास क्यूबिक पॉलीनोमियल था, इसके तीनों फैक्टर यहाँ पर आ जाएंगे, x प्लस 1 x प्लस 10 x प्लस 2। तो देखिए x प्लस 1 तो हमें गिविन था, अदर टू फैक्टर क्या हो जाएंगे, x प्लस 10 एंड x प्लस 2, क्लियर। तो यहीं पर हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया कैसे फैक्टर फाइंड करते हैं, अगर हमें एक फैक्टर गिवेन है तो अदर फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं।